गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर HM ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 2.5, लेसन नंबर 2.5, द हैप्पी प्रिंस, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 2.5, द हैप्पी प्रिंस। The statue of the happy prince stood high above the city. Happy prince का पुतला statue यह शहर में सबसे ऊंचे स्थान में लगा हुआ था। It was covered with gold. वह statue पूरी तरह gold से covered था। That means उस statue के ऊपर पूरा gold का एक layer चढ़ाई गई हुई थी। Its eyes were bright blue jewels. उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू में जो आँखें थी उस आँखों में एक ब्लू कलर का मानिक लगाया गया था। मानिक जिसे हम हीरे जवाहरात मोती कहते हैं, तो उसी तरह का एक पत्थर होता है जो कि ब्लू कलर का है और वो जो पत्थर होते काफ़ी महंगे होते हैं। तो हैप्पी प्रिंस की आँखों में वह एक ब्लू कलर का मानिक लगाया गया था और उसकी वजह से उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। एंड अ रेड ज्वेल्स हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट, और जो रेड कलर का मानिक था वह उसके वेस्ट में लगाया गया था, यानी कमर में बांधा गया था। एवरीवन थॉट दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, हर कोई सोचता था कि यह जो हैप्पी प्रिंस का जो पुतला है, जो स्टैचू है, द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा हर कोई उसके बारे में ऐसा सोचता था। Why aren't you like the happy prince? Mother said to their little boys when they cried. जिस शहर में हैप्पी प्रिंस का पुतला लगाया गया था वहाँ की जो मदर्स थी, जब उनका बच्चा रोया करता तो वह कहती कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं हो? जो हैप्पी प्रिंस है वो तो हैप्पी है, तो आप क्यों रो रहे हो? आप भी हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं हो? सैड मैन लुक एट द स्टैचू एंड सेड, सैड मैन लुक एट द स्टैचू एंड सेड आई एम ग्लैड दैट सम वन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी। जो दुखी मनुष्य थे वह उस पुतले के तरफ देखकर, उस स्टैचू के तरफ देखकर यह कहते थे कि आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि कोई तो इस दुनिया में सुखी है। वन नाइट अ लिटल स्वालो, इट्स द टाइप ऑफ बर्ड, इट्स द नेम ऑफ बर्ड, एक बर्ड की प्रजाति है जो कि काफ़ी छोटी होती है, दिखने में छोटी होती है। वन नाइट अ लिटल स्वालो फ्लू अलोन ओवर द सिटी, एक रात लगभग जब शाम होती है, दिन ढलते होता है उस समय, एकदम रात में तो पंछी उड़ते नहीं, लेकिन एकदम दिन जब एंडिंग में आ जाता है उस वक्त की बात है। वन नाइट अ लिटल स्वालो फ्लू अलोन ओवर द सिटी, एक रात एक लिटल स्वालो सिटी के ऊपर से उड़ रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे बट ही हैज स्टेड बिहाइंड फॉर 6 वीक्स, और क्या हुआ था, वह अपने दोस्तों के झुंड से, अपने दोस्तों से वह दूर हो चुका था, दोस्त उसे छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन ये किसी कारणवश पीछे छूट गया और उसे पता था कि अब फिर से वह जो उसके फ्रेंड्स है, वह उस बर्ड्स के जो फ्रेंड्स है, वह फिर से छः महीने बाद इसी रास्ते से फिर से वापस आएंगे। जनरली बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वह एक देश से दूसरे देश जाते हैं और काफ़ी महीनों के बाद में फिर से अपने देश में लौट कर आते हैं। तो उसे 6 महीने का इंतज़ार उसी शहर में करना था जहाँ पर वह बिछड़ गया था। वेयर कैन आई स्टे टू नाइट ही थॉट, वह सोचने लगा कि मुझे रात कहाँ गुजारनी है, मुझे रात में कहाँ रुकना पड़ सकता है। देन ही सॉ द स्टैचू, फिर उसने एक स्टैचू को देखा। आई विल स्टे हियर ही थॉट, और उसने सोचा कि मैं यहीं पर रुकूंगा।
इट इज हाई अप सो देयर इज प्लेंटी ऑफ फ्लेश सॉरी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। यह जो पुतला है काफ़ी ऊंचाई में लगा हुआ है, काफ़ी इसमें फ्रेश एयर आ रही है, तो उसने सोचा कि मैं इसी स्टैचू में रुक जाऊंगा। ही लैंडेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और वह यह सोचकर कि मैं यह पुतले में रुक जाऊंगा, काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी यहाँ पर फ्रेश एयर है, तो वह उस प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में वह उतर गया, बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, उसे ही थॉट। और जब वो दोनों पैर के बीच में वो रुक गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास एक गोल्डन बेडरूम है, क्योंकि वह जो स्टैचू था वो पूरा गोल्ड से मढ़ा हुआ था, गोल्ड ही लगा हुआ था उसके ऊपर, कवरिंग की गई थी गोल्ड की। बट एज ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जब वो अब रात में जनरली जो पंछी जब सोते, आपने देखा होगा, तो बर्ड्स अपने जो हेड है उनका वो अपने थोड़ा सा बैक साइड में ले जाते हैं और अपने पंखों में उसे रख देते हैं और सोया करते हैं। बट एज ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, जब उसने अपने विंग्स के अंदर अपना सर रखा, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पानी की बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर आकर गिरी। ही लुक्ड अप, दैट इज वेरी स्ट्रेंज ही थॉट। उसने ऊपर जब उसके ऊपर पानी की बूंद गिरी तो वह ऊपर देखने लगा और उसे जरा स्ट्रेंज महसूस हुआ। उसने सोचा, देयर इज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई बट इट इज रेनिंग। उसने जब ऊपर देखा, ऊपर देखने के बाद उसे दिखाई दिया कि क्लाउड्स तो है ही नहीं, बादल एकदम साफ सुथरे, बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है। द अनादर ड्रॉप फेल, आई कान स्टे ऑन अ स्टैचू दैट डज नॉट कीप मी ड्राई ही थॉट। थोड़ी देर के बाद फिर से दूसरा ड्रॉप उसके ऊपर गिरा। उसने सोचा, आई कैन नॉट से ऑन अ स्टैचू दैट डज नॉट कीप मी ड्राई ही थॉट। उसने मन में सोचा कि नहीं, मैं तो यहाँ रुक नहीं सकता, इस स्टैचू में रुक नहीं सकता, क्योंकि ये स्टैचू मुझे ड्राई नहीं रख सकता। ये तो रात भर में, मैं यदि रात में रहूँगा, पूरी रात रुकूँगा तो मैं यहाँ पर गीला हो जाऊँगा। आई मस्ट फाइंड अनदर प्लेस, मुझे दूसरी जगह ढूँढनी ही पड़ेगी। एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, और वह उसने निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से उड़ जाऊँगा। बट एज ही ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, जब उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, दूसरी जगह जाना है, तो उसने अपने उड़ने के लिए पंख फैलाए। जैसे ही उसने पंख फैलाए तो तीसरी फिर से पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरी। ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी। जब उसने तीसरी ड्रॉप उसके ऊपर गिरी, फिर से उसने ऊपर देखा, और ऊपर देखकर उसने क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस वेयर फुल ऑफ टीयर्स। उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस है, जो हैप्पी प्रिंस का जो पुतला है, उस पुतले के आंखें आंखें अश्रु से भरी हुई है, आंसुओं से भरी हुई है, फुल ऑफ टीयर्स। टीयर्स रोल डाउन हिज गोल्डन फेस, जो टीयर्स है वह आंखों से होते हुए उसके चेहरे के ऊपर से वह ड्रॉप आ रही थी, उसके गोल्डन फेस के ऊपर वह टीयर दिखाई दे रही थी। द फेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन मूनलाइट, इन द मूनलाइट, जो हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा था, रात जो मून की जो लाइट थी, चंद्रमा की जो लाइट थी रात के वक्त, उसमें बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था उसका चेहरा। एंड द सॉलो फेल सॉरी फॉर हिम, और उस रोते हुए पुतले को उसने सॉलो ने देख लिया, उस छोटे से बर्ड ने देख लिया, तो उसे उसके उसके बारे में, उस पुतले के बारे में उसे बहुत ही दुख महसूस हुआ। हु आर यू, आस्क्ड द बर्ड, बर्ड ने उसे पूछा कि हु आर यू, आप कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, वो पुतला बोला,
आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। एक्चुअली उसका नाम ही था हैप्पी, हैप्पी प्रिंस। देन व्हाई आर यू क्राइंग, आई एम वेट विथ योर टीयर्स, तो आप क्यों रो रहे हो? उसने बताया था कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, हैप्पी प्रिंस होने के बाद में आप क्यों रो रहे हो? मैं आपके रोने की वजह से, आपके आंसू की वजह से मैं गीला हो रहा हूँ। वेन आई वॉज अलाइव, सेड द प्रिंस, प्रिंस बोला, हैप्पी प्रिंस बोला कि जब मैं जिंदा था, आई हैड अ हार्ट लाइक एवरी अदर मैन, मेरे पास भी बाकी मनुष्य जैसा एक दिल था। बट आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अश्रु क्या होते। मेरे पास बाकी इंसानों जैसा दिल था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जब मैं जिंदा था तब मुझे पता नहीं था कि अश्रु क्या होते, टीयर्स क्या होते। आई लिव इन अ पैलेस, मैं तो राजमहल में रहा करता था, रजवाड़े में रहा करता था। वेयर देयर वॉज नो सैडनेस, और उस रजवाड़े में तो कोई दुख नाम की चीज़ नहीं थी। इन द डे टाइम आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स इन अ ब्यूटिफुल गार्डन, दिन के समय में मैं अपने दोस्तों के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में खेला करता था। एंड इन द इवनिंग आई डांस्ड, और शाम को मैं डांस किया करता था। देयर वॉज अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन, और उस जिस गार्डन में मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता, शाम को नाचा करता, उस गार्डन के आजू बाजू में, गार्डन के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी। बट आई डिड नॉट नो दैट, सॉरी, आई डिड नॉट नो व्हाट ले ऑन द अदर साइड, वह दीवारें इतनी बड़ी थी कि उस प्रिंस को यह पता नहीं था कि इस दीवार के बाहर में क्या है, इस दीवार के बाहर में कौन सी दुनिया है, ये उसे पता नहीं था। उसे लगता था कि वो जहाँ रह रहा है वही उसकी दुनिया है। बट आई डिड नॉट सॉरी सो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, और इसीलिए मुझे सब कहते थे हैप्पी प्रिंस, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस दीवार के बाहर भी कोई दुनिया है जो इस रजवाड़े से बहुत ही भिन्न है। उसके जो दोस्त थे, उसे दोस्तों को लगता था कि यह बहुत ही खुश नसीब है, इसके जीवन में कोई भी दुख नहीं है, तो उसे सब हैप्पी प्रिंस ही बोला करते। आई वॉज प्लीज्ड विथ माई लिटल वर्ल्ड, मैं अपने छोटी सी दुनिया में ही बहुत खुश था, छोटी सी दुनिया ने बस रजवाड़े के अंदर। नाउ आई एम डेड, लेकिन अभी मैं मर चुका हूँ, मृत हो चुका हूँ। एंड दे हैव पुट मी अप हियर, और उन्होंने मुझे यहाँ पर लाकर लगा दिया। दैट मीन्स वो मर चुका था, उसके बाद में उन्होंने उसके याद में वहाँ पर एक शहर में एक पुतला लगा दिया। आई कैन सी ऑल द हैप्पीनेस ऑफ माई सिटी, यहाँ से मैं, मुझे इतने ऊंचाई पर लगाया गया है कि मैं इजीली देख सकता हूँ कि आई कैन सी ऑल द हैप्पीनेस ऑफ माई सिटी, मैं अपने शहर के हर हैप्पीनेस को, हर घर को, हर हैप्पीनेस को, हर चीज़ शहर की मैं देख सकता हूँ। माई हार्ट नाउ इज़ मेड ऑफ चिप मेटल, मेरा जो हार्ट है वह एक चिप मेटल से बना हुआ है, यानी उसमें कोई सोने चांदी लगे नहीं हुए, एक मेटल जो सस्ता था, जो मेटल है, लोहा है, उसका यूज किया गया है उसके हार्ट बनाने के लिए। बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील एंड सो आई क्राई, लेकिन यह मेटल का होने के बावजूद भी मैं, ये जो मेरा हार्ट है वो फील करता है। बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील एंड सो आई क्राई, और इसी वजह से मैं रोता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर है तो उसे दुख भी दिखाई देता है, हैप्पीनेस तो दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ में जो अनहैप्पीनेस वो देखा करता था। आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी, माई हार्ट नाउ इज़ मेड अप ऑफ चिप मेटल, जब उसे इतनी ऊंचाई पर लगाया गया था कि वहाँ से वो पूरी तरह से देख सकता था कि शहर में क्या खुशियाँ शुरू है, क्या लोग, कितने लोग दुखी है, यह भी वो इजीली देख सकता था, अनहैप्पीनेस भी वह देख सकता था। और उसका जो दिल एक मेटल से बनाया गया था, चिप मेटल, कोई इसमें सोने चांदी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, एक मेटल सस्ता था, मेटल यूज किया गया था और उससे उसका हार्ट बनाया था, फिर भी उसका हार्ट दुख को महसूस करता था, इसीलिए वह
अपने शहर के अनहैप्पीनेस को देखकर, अपने शहर के दुख को देखकर वह रोया करता। और जब वो शाम को रोया करता तो वही बूंद, वही आंसू की बूंद उस पंछी के ऊपर, उस सॉलो के ऊपर गिर रही थी। ओ सेड द सॉलो टू हिमसेल्फ, ही इज नॉट ओनली गोल्ड ऑन द आउटसाइड। ओ सेड द सॉलो, सॉलो ने बोला, उसे बोला, ही इज नॉट ओनली गोल्ड ऑन द आउटसाइड। वो उसे बोलने का मीनिंग यह है कि उसने अपने बारे में बताया कि मुझे अपने शहर के लोगों के दुख को देखकर मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं रोता हूँ। तो इसीलिए वो बोलता है सॉलो कि बाहर से जैसा तुम गोल्ड के हो, वैसा ही आप अंदर से भी गोल्ड के हो। आपका दिल भी क्या है, एक सोने का दिल है। सो टुडे वी स्टॉप हियर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।